नमस्कार। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से हैप्स HAPS स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली फर्स्ट स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे का एडमिशन नंबर पूछता है। अगर बच्चा हीरानगर में है तो उसका एडमिशन नंबर 11 से शुरू होगा। अगर बच्चा विकास नगर में पढ़ता है तो उसका एडमिशन नंबर जो है वो 22 से शुरू होता है। आपको एडमिशन नंबर ऐड करना है। जैसे मैं हीरानगर में बच्चा है तो उसका एडमिशन नंबर डाल रहा हूँ 11-2089। नेक्स्ट उस पर देखेंगे एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अब बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने एंटर करना है। अब डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में डालना है ये फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप उसी फॉर्मेट में जो है वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। अब मैंने जो फॉर्मेट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर दिया। अब उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। आप मेरा ऐप जो है वो लॉगिन हो गया। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट आइकन है नोटिस बोर्ड एंड सर्कुलर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्कूल से जितने भी सर्कुलर आ रहे हैं वो सर्कुलर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, जो कॉमन सर्कुलर हैं पूरी क्लास के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कूल कैलेंडर। जिस किस किस दिन स्कूल में छुट्टी है वो कैलेंडर से आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गैलरी। जो एक्टिविटीज़ के फ़ोटो होंगे वो इस गैलरी में हम अपडेट करेंगे। नेक्स्ट है इनबॉक्स। इनबॉक्स में वो वाले मैसेज होंगे जो सिर्फ उसी बच्चे को आ रहे हैं जिसका ऐप ये ओपन है। वो कॉमन मैसेज नहीं है, वो सिर्फ पार्टिकुलर उसी बच्चे के लिए मैसेज है जो आपको इनबॉक्स में दिखेगा। नेक्स्ट है टाइम टेबल। ये टाइम टेबल जो है वो ऑफलाइन मोड के हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको ऑनलाइन का टाइम टेबल देखना होगा तो आपको नोटिस बोर्ड में उसकी PDF आएगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद है आर्ट वर्क, ये अभी यूज़ नहीं होगा। अटेंडेंस, किस मंथ में बच्चा कितने दिन स्कूल में है उसकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मंथ वाइज। लीव रिक्वेस्ट, अगर बच्चे ने छुट्टी करनी है तो इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे, डायरेक्ट क्लास टीचर के पास लीव रिक्वेस्ट जो है वो आ जाएगी। लीव स्टेटस, आपने जो लीव अप्लाई की है क्या वो पेंडिंग है या अप्रूव हो चुकी है, वो यहाँ से लीव स्टेटस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है होमवर्क, किस डेट का, डेट वाइज होमवर्क हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कौन सी डेट का क्या होमवर्क था वो यहाँ पे डेट वाइज होमवर्क मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फी लेजर। जो जो फीस बच्चे की हमने डिपॉजिट करवाई है वो हमें यहाँ पे फी लेजर में दिखेगी। व्यू पे जाएंगे तो हम उस फी स्लिप को जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको व्यू होती रहेगी कि किस डेट को कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया है और कौन से मोड से करवाया, ऑनलाइन करवाया है, कैश दिया है, बैंक में डिपॉजिट करवाया है, कैसे करवाया है। उसके बाद है फीडबैक एंड सजेशन। अगर आप स्कूल को कोई सजेशन देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। डायरेक्ट ये प्रिंसिपल के पास, ये इसकी जो भी आप लिख रहे हैं वो प्रिंसिपल के पास जो आपको डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके नेक्स्ट है डिसिप्लिन। विजिट वेबसाइट, वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट स्कूल की वेबसाइट खुल जाएगी। डिसिप्लिन, जो बच्चे का फ्रॉनी स्कोर और स्माइली स्कोर क्या है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। न्यूज़, जो स्कूल की लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो न्यूज़ यहाँ पे अपडेट होगी। नेक्स्ट आइकन। उसके बाद है स्टूडेंट पोर्टफोलियो। स्टूडेंट की पूरे साल की कौन कौन सी अचीवमेंट्स है, उसने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, कहाँ उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चे के पोर्टफोलियो में ऐड होती रहेंगी और टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहेंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ी पेमेंट। अगर आपने अपने बच्चे की फ़ी पे करनी है तो आप फ़ी पेमेंट पे जाके क्लिक करना है और वही जो है वो नेक्स्ट पेज खुलेगा। उसमें एडमिशन नंबर डालना है जैसा हमने पहले डाला और डेट ऑफ बर्थ डालनी है उसी फॉर्मेट में, DD-MM-YYYY। ईयर जो है फुल लिखना है और आपने डेट 2 डिजिट में, मंथ 2 डिजिट में और बीच में डैश का यूज़ करना है और लॉगिन करना है, तो आप जो है वो डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे भी चले जाएंगे। उसके बाद जो फी आपने पे करनी है फर्स्ट क्वार्टर की उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट शो होगा। अगर आपका अमाउंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब आप फी पे कर चुके हैं, और अगर आपको कोई कंसेशन लगा है तो आप यहाँ पे कंसेशन भी आपको नज़र आएगा कि सिबलिंग का कंसेशन है या स्टाफ वार्ड का कंसेशन है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
अब लास्ट पॉइंट है कि अगर किसी पेरेंट्स के दो बच्चे या तीन बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो कैसे उसको व्यू कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे थ्री लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और इसके नीचे स्विच यूज़र पे क्लिक करना है। स्विच यूज़र पे क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का जो दूसरा ब्रदर सिस्टर पढ़ता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। आप दूसरे बच्चे की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, उस पर क्लिक किया, यस बटन पर गए और यहाँ से आपको सेकेंड जो बार्ड बच्चा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। फिर से दोबारा मैं उस टॉप पे लेफ्ट साइड में तीन लाइनें बनी है वहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद जो है वो स्विच यूज़र पे क्लिक किया तो दोबारा दूसरे बच्चे की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। अगर किसी के एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन वो नेक्स्ट अपडेट में आएगी जो कि ट्यूज़डे को ऐप का अपडेट आएगा, कल आएगा यानी। तो कि दो बच्चों की, तीन बच्चों की, चार बच्चों की इन्फॉर्मेशन अगर ब्रदर सिस्टर हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। इस तरह से आप जो है वो इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।